नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर सी एन वाघीला आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम द पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ द स्पीच, देखिए सबसे पहले द नाउन यानी कि नाम, उसके बाद द एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण, प्रोनाउंस सर्वनाम, द वर्ब्स क्रियापद, द एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, द प्रेपोजिशंस अव्यय, द कंजंक्शंस संयोजक, द इंटरजेक्शंस उद्गार। इस तरह अंग्रेजी भाषा हो या कोई भी भाषा, भाषा के जो अंग है आठ है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जैसे कि द नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस। इस तरह अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ है। इसी तरह हिंदी, गुजराती या अन्य भाषाओं में भी इस प्रकार के पार्ट्स ऑफ द स्पीच आठ है। तो ये सबसे पहले हम नाउन यानी कि नाम के बारे में बात करें। हर कोई चीज़ का एक नाम होता है और नाम में जो खास नाम होते हैं उसे हम तो प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि हिना, हिरेन, राजेश। यहाँ पर हिना किसी एक लड़की का खास नाम है, हिरेन, राजेश ये भी खास नाम है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं यानी कि व्यक्तिवाचक नाम। दूसरा नाम है द कॉमन नाउन्स यानी कि जातिवाचक नाम, समग्र जाति का यहाँ निर्देश किया जाता है, जैसे कि द मैन, द बर्ड, द एनिमल। द मैन मतलब कि इंसान की सारी जात, द बर्ड इस तरह, द एनिमल, तो ये खास नाम है, खास नाम से हटके है, ये सामान्य नाम है यानी कि कॉमन नाउन है। यहाँ पर खास नाम ये है हिना, हिरेन, राजेश, जिसे हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं, मगर यहाँ पर समग्र वर्ग या जाति का निर्देश किया जाता है, द मैन, द बर्ड, द एनिमल, तो ये कॉमन नाउन यानी कि सामान्य नाम है, जिसे हम व्यक्तिवाचक नाम से हटकर किसी समग्र वर्ग जाति का उल्लेख करने वाला सामान्य नाम बोलेंगे, द कॉमन नाउन जातिवाचक नाम। द कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाम, समूहवाचक नाम जो है वो किसी समूह का निर्देश करता है, जैसे कि अ फैमिली, एन आर्मी, अ बंच। यहाँ पर अ फैमिली का मतलब माता पिता, बच्चे, इस तरह एन आर्मी मतलब कि कई सारे सोल्जर्स, यहाँ पर सैनिक का एक ग्रुप है, उसी तरह अ बंच ये भी एक ग्रुप है, एक समूह है, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसमें किसी समूह का उल्लेख किया जाता है। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक नाम, अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाला नाम, जैसे कि लव प्रेम एक दिल की भावना है, एंगर गुस्सा, चाइल्डहुड बचपना, तो ये सारे नाउन्स ये जो है द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक नाम है, जो हमारी भावनाओं को निर्देश करता है। द मटेरियल नाउन किसी चीज़ के बारे में अगर हम अब बात करते हैं तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थ जैसे कि ग्रेन्स, गोल्ड, फ्रूट्स, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बेजान ऑब्जेक्ट्स, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इस तरह नाउन्स के पांच प्रकार हैं, जो मैं आपको फिर से बताऊंगा,
द प्रॉपर नाउन हीना हिरेन राजेश, उसी तरह द कॉमन नाउन्स जिसे हम जातिवाचक नाम कहते हैं, द मैन द बर्ड द एनिमल, द कलेक्टिव नाउन समूह दर्शक समूहवाचक नाम, अ फैमिली एन आर्मी अ बंच, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक नाम लव एंगर चाइल्डहुड, द मटेरियल नाउन पदार्थ जैसे कि ग्रेन्स गोल्ड फ्रूट्स सारे ऑब्जेक्ट्स सारे पदार्थ यानी कि चीज वस्तुओं का उसमें उल्लेख किया जाता है, तो ये मटेरियल नाउन है पदार्थ या द्रव्यवाचक नाम। तो संज्ञा के पांच प्रकार हमने देखे। आइए एडजेक्टिव के बारे में बात करें। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन्स, नाम जो होता है नाम के अर्थ में हम कुछ उसमें ज़्यादा उसका जो स्वरूप है वो बढ़ाते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव शो अ क्वालिटी जैसे कि गुड बैड ब्यूटीफुल काइंड, ये विशेषण है। नाम जो होता है नाम से ये जुड़ जाता है और नाम को क्वालिफाई करता है, जैसे कि गुड हैबिट बैड मैन ब्यूटीफुल गर्ल काइंड किंग। तो इस तरह जो क्वालिटी है क्वालिटी का ये एडजेक्टिव हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमारे अच्छे गुण या बुरे जो हमारे हमारी पर्सनालिटी में अच्छे बुरे क्वालिटीज होती हैं उसका ये उल्लेख करता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव का ये पहला प्रकार है क्वालिटी गुण दर्शक। क्वांटिटी एडजेक्टिव का ये दूसरा प्रकार है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का निर्देश करता है, जैसे कि हैवी भारी लाइट हल्का सा बिग बड़ा स्मॉल छोटा, इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि प्रमाण दर्शक विशेषण कहते हैं। नंबरल्स जो संख्यावाचक है जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह संख्या का निर्देश करता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबरल्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें किसी फिक्स नंबर का उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे कि ऑल मैनी फ्यू एवरी ईच फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे इनडेफिनिट नंबरल्स है। इस तरह ये सारे 1, 2, 3, 4 या ऑल मैनी फ्यू जो संख्या दर्शक है जिसे हम संख्या दर्शक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव निर्देशक विशेषण जैसे कि सच इस प्रकार दिस ये दैट वो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव WH वर्ड्स जैसे कि हु व्हाट When, why, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी कि प्रश्न दर्शक या प्रश्न का उल्लेख करने वाले विशेषण। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जिसमें हम ज़्यादा भार यानी कि उसमें वजन डालते हैं, जैसे कि वेरी ज़्यादा माई ऑन मेरा अपना, इसे हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, भारदर्शक विशेषण। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वाव व्हाट हाउ, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। कंपैरिजन कुछ एडजेक्टिव में हम कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं, जैसे कि बेटर ज़्यादा अच्छा द बेस्ट सबसे अच्छा द वर्स्ट सबसे खराब, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया तुलना, तो ये तुलना दर्शक है। आइए अब प्रोनाउंस के बारे में बात करें सर्वनाम। इसमें सबसे पहले द पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे हम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे कि आई प्रथम पुरुष एकवचन मैं ही शी इट ये थर्ड पर्सन है,
सारे के सारे सिंगुलर एक वचन है। ही पुरलिंग है, शी स्त्रीलिंग और इट नानित्र जाति। यहाँ ही का उपयोग हम किसी आदमी के लिए और शी का उपयोग हम किसी स्त्री के लिए करेंगे। इट जो है पशु पक्षी या निर्जीव के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो है एक क्वेश्चन में प्रोनाउन सर्वनाम है। देखिए प्लूरल में वी यू और दे, वी हम यू आप सब दे वे सब, तो ये जो है प्लूरल है, ये भी सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसके बाद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। मेरा अपना या मैं खुद, ऐसा इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, इसमें हम भार यानी कि वजन डालते हैं। तो ये जो है मैंने ये काम अपने आप किया और मेरे लिए ही किया, ऐसा जब हम बोलते हैं तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन बन जाता है। रिफ्लेक्सिव जो है इसमें और एम्फेथेटिक में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों का अर्थ अपने आप को उजागर करने के लिए या अपनी जात पर वजन डालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि निर्देशक सर्वनाम, दिस दैट एक वचन में, दिस दोस बहुवचन में, सच दोनों में, तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, निर्देशक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, समवन समबड़ी, जब कोई प्रोनाउंस निश्चित नहीं है तो इसे हम इनडेफिनिट बोलते हैं, किसी ने या जिसे हम समवन या समबड़ी कहते हैं, कोई भी, तो ये जो है प्रोनाउंस के उदाहरण थे। नन ऑल ऑफ यू ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर नन यानी कि कोई नहीं, ऑल सब, मगर कितने, इसमें कोई डेफिनेट संख्या नंबरल्स नहीं दिए गए, तो इसलिए उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे, इसमें कोई संख्या निर्देशित न हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग करके हम बता सकते हैं, जैसे कि एवरी, ईच, ईच अदर, एवरीबडी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अलग अलग करके आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, ऐसे सर्वनाम। देयर रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, विच, दैट, होम, हुज, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसका संबंध ज़्यादातर जैसे कि हु कर्ता से होता है। हु का उपयोग हम मनुष्य के लिए, विच का उपयोग हम किसी निर्जीव चीज वस्तु के लिए करते हैं। हुम जो है, और हुम एक कर्म विभक्ति का है और हुज ए संबंध विभक्ति का सर्वनाम है। हुज यानी कि जिसका, हुम जिसको, विच के, हु और विच के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हु जो है वो मनुष्य के लिए है और विच पशु पंखी या निर्जीव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्राश्निक सर्वनाम, जैसे कि हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच और व्हाट, ये सारे जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जिसका उपयोग हम प्रश्न वाक्य में करते हैं, जैसे कि हु आर यू, उसी तरह विच कलर डिड यू प्रिफेर, व्हाट आर दे, इसी तरह हम हुम और हुज का भी उपयोग करते हैं, हुज बैग इज दिस, हुम डू यू वांट टू मीट, इस तरह WH वर्ड जो है जिसका उपयोग हम प्रश्न में करते हैं, ये भी सर्वनाम का ही एक प्रकार है। अब क्रियापद के बारे में हम बात करेंगे। क्रियापद जो हम एक्शन, हम जो कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि टू रीड, टू राइट, टू सी, लिखना, पढ़ना, देखना, तो ये जो है वो क्रियापद है। क्रियापद को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार दो हिस्से में बांट सकते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का स्थान यानी कि कर्म का स्थान होता है। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, मैंने आई ईट एन एप्पल, उसी तरह वी सिंग सॉन्ग्स। यहाँ जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है। इस तरह वी सिंग सॉन्ग्स, हमने गाने गाए, तो यहाँ सॉन्ग्स जो है वो कर्म है। आई ईट एन एप्पल, तो एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म जो है वो जरूरी है, आवश्यक है। मैंने क्या खाया, मैं क्या खाता हूँ, तो आई ईट एन एप्पल, मैं सेव खाता हूँ। इसी तरह वी सिंग सॉन्ग्स, हम गीत या गाने गाते हैं, तो यहाँ पर एप्पल और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ईट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट आवश्यक नहीं है, कर्म का कोई प्राधान्य नहीं है। जैसे कि हिना स्माइल्स, हिना हंस रही है, तेस्वीम वे तैर रहे हैं, तो यहाँ पर स्माइल हंसना या तैरना, इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह वर्ब जो है उसे हम दो हिस्से में बांटते हैं। वर्ब का एक तीसरा जो है प्रकार वो पार्टिसिपल्स है। पार्टिसिपल्स जैसे कि ब्रोकन, टूटा हुआ, रिटन, लिखा हुआ, स्पोकन, कहा गया, कहा हुआ, तो ये जो सारे हैं पार्टिसिपल्स है। ये प्रकार नहीं है, फिर भी हमने इसे द पार्टिसिपल अलग तरीके से उसे बताया है। इसमें कुछ वर्ब जो है ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। यहाँ पर ब्रोकन, रिटन, स्पोकन सारे ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर ये पार्टिसिपल्स है यानी कि भूत कृदंत है। द जीरन, जिसको आईएनजी लगाया जाता है, इसे हम जीरन कहते हैं। जैसे कि स्विमिंग, तैरना, रीडिंग, पढ़ना, प्लेइंग, खेलना, तो ये भी एक क्रियापद का ही स्वरूप है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब्स का बहुत ही महत्व है। आप जानते हैं कि इज एम आर जो है वो टू बी का, वर्तमान काल का, वॉज और वेर भूतकाल का, हैव पूर्ण वर्तमान काल का, हैड पूर्ण भूतकाल का, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसी तरह कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि सहायकारी क्रियापद है। उसी तरह शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब से, जिसका उपयोग हम कोई ना कोई उद्देश्य के लिए करते हैं। यहाँ पर इज एम आर वर्तमान काल, वॉज वेर भूतकाल, हैव पूर्ण वर्तमान काल, हैड पूर्ण भूतकाल, कैन का उपयोग हम शक्ति प्रदर्शन के लिए करते, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, भूतकाल में कैन का कुड हो जाता है। उसी तरह मे जो है संभावना या परवानगी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, मे आई कम इन सर, इट मे रेन टुडे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर परमिशन के लिए हमने मे का उपयोग किया, मे का भूतकाल माइट है। उसी तरह शैल और शुड, शैल का उपयोग हम भविष्यकाल और शुड का उपयोग हम वर्तमान काल में भी करते हैं, और शैल का भूतकाल शुड है, विल का उपयोग हम भविष्यकाल के लिए करते हैं, और इसका भूतकाल का रूप वुड है, और वुड हम वर्तमान काल में भी इसका खास रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू कम विथ मी, किसी की इच्छा जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब्स, दे शो टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेसेस, manners, degrees, reasons, negations, interrogations. Adverb यानी कि क्रिया विशेषण, जो वक्त या कोई क्रिया कितनी बार होती है, कभी कभी जगह का, कभी कभी रीतिभात का, तो इस तरह अलग अलग उद्देश्य के लिए हम adverb का उपयोग करते हैं। कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो निगेशन यानी कि नकारात्मक, इंट्रोगेशन प्रासनिक,
अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव हकारात्मक, कंडीशन यानी कि शर्त या रिजल्ट्स यानी कि परिणाम के बारे में बताते हैं, निर्देश करते हैं। एडवर्ब जो है वो क्रिया को क्वालिफाई करता है, जैसे कि आई हैव डन दिस बिफोर, मैंने ये पहले किया है। बिफोर जो है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। सी विजिट्स दिस प्लेस डेली, वो इस जगह हर रोज आती है, मुलाकात लेती है, मुलाकात इसकी। तो डेली जो है ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। आई नेवर स्पीक लाइज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो नेवर जो है वो निगेशन यानी कि निगेटिव एडवर्ब है। शी कुक्स वेल, यहाँ पर रितभात का उपयोग किया गया है, वेल जो है वो रितभात का निर्देश करता। शी कुक्स वेल, वो अच्छी तरह से पकाती है। वी डू बेटर देन दे, यहाँ पर कंपैरिजन, और दे ऑफन विजिट दैट प्लेस एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो वेल, बेटर, ऑफन, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण है, जो क्रियापद को क्वालिफाई करता है। अब देखिए प्रीपोजिशन यानी कि अव्यय के बारे में हम बताएंगे, कुछ सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में, जैसे कि टू, तरफ, फ्रॉम, यहाँ से, वहाँ, वहाँ से, ऐसा, इन, अंदर, इन टू, प्रवेश के लिए, बाय, किसी चीज़ की सहायता से, ऑफ यानी कि ये जो है वो मालिकी का संबंध दर्शाने वाला प्रीपोजिशन है। कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशन से यानी कि संयुक्त रूप से उपयोग इसका होता है, जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोन, अमंग, एडमिस्ट, यहाँ दो स्थितियों को जोड़ने का काम होता है। तो ये जो है वो प्रीपोजिशन यानी कि अव्यय है। फ्रेज प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू, ये एक पद आता है, सारा एक पद जो है अकॉर्डिंग टू, ये पद है, तो ये पद जो है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। ऑन बिहाफ ऑफ, नॉट विथस्टैंडिंग, विथ एन आई टू, ये सारे प्रीपोजिशंस है जो अलग अलग हेतु के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंजक्शन, दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है, जैसे कि एंड, और, बट, किंतु, फॉर, ये सारे शब्द कंजक्शन है। द सबोर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ही सेज दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर जो दैट है वो कंजक्शन है, जिसे हम सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसा संयोजक जो सब क्लोज को यानी कि पेटा वाक्य को जोड़ता है। ही सेज, ये मुख्य वाक्य है, दैट ये संयोजक है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो कहता है कि वो वहां पर नहीं था। ज्वाइनिंग मेन क्लोज टू सब क्लोज, सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो मुख्य वाक्य को पेटा वाक्य से जोड़ता है। द कंपाउंड कंजक्शंस, कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड एज कंजक्शन, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे कंजक्शन कंपाउंड कंजक्शन से, उसमें दो शब्द है। इंटरजेक्शन यानी कि जब हम उद्गार करते हैं, जैसे कि इंटरजेक्शन जो है, दे शो अवर गुड और बैड फीलिंग्स, हमारी अच्छी या बुरी भावनाओं को प्रकट करता है, इसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, सर प्लेजर, कभी कभी आनंद, खुशी या गम, जैसे कि अलास, वी लॉस्ट द मैच, हुर्रा, वी गॉट इट, आह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यहाँ पर हमने दुख व्यक्त किया है कि हम मैच जो है हार गए। हुर्रा, यहाँ पर आनंद है, वी गॉट इट, हमने सफलता प्राप्त की। आह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, वो
जो फूल है कितना सुंदर है, तो यहाँ पर आश्चर्य है। तो कभी कभी हम दुख या दर्द का, कभी कभी आनंद का या आश्चर्य का हम इसमें हमारा एक्सप्रेशन होता है, व्यक्त करते हैं। ओह हाउ बैड ऑफ यू, यहाँ पर हमने किसी को धिक्कार दिया है। तो इस तरह आज के इस कार्यक्रम में हमने पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में बताया। इसके साथ इस कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने जा रहा है। मिस्टर सी एन वाकेला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।